आइटम नंबर 6 कोर्ट नंबर 1 में वन रैंक वन पेंशन के बारे में आज हमारी हेयरिंग थी और इसमें हमने जो अमेंडमेंट डाली थी, सातवां पे वेतन आने के बाद हम चाहते थे कि जो सातवां पे वेतन इंक्लूसिव हो जाए, जो पेंशन्स हैं 31 दिसंबर 2015 की वो लागू हो और उससे मल्टीप्लाई हो। ये हम का पहले कर रहे हैं वो है 2013 की पेंशन। और दूसरा हमारा अमेंडमेंट था कि 33 साल सर्विस पे पूरी पेंशन पहले देते थे, 33 साल रूल जो है वो ख़त्म हो गया है, तो हमारे फौजियों को कम पेंशन जो मिलती थी उसके बारे में था कि हर एक को जैसे 26 साल 28 साल में पूरी हो जाती थी और वो उतना कम कर देते थे पेंशन। जब 33 इयर्स रूल ख़त्म हो गया है, हम ये अमेंडमेंट लगा रहे हैं, इस पर लगाया आज कि वो दूर होकर जो सही पेंशन है उस साल की वो मिलनी चाहिए। तो कोर्ट ने हमारी वकील की इस बात को सुना और उन्होंने बोला कि हम इस दोनों अमेंडमेंट्स को और रिकॉर्ड पे लें 2 हफ्ते के अंदर अंदर और हम उसे दें और गवर्नमेंट 4 हफ्ते के अंदर अंदर इसका रिप्लाई करे और अगली हेयरिंग पहला हफ्ता अप्रैल में होगी। थैंक यू सर। इसमें एक और चीज़ ये है कि हमारा जो ओआरओपी का केस है वो अभी भी चल रहा है, ये उसके ऊपर एडिशनल है, ओआरओपी केस ख़त्म नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं कि ये सातवां पे वेतन और 33 साल का रूल ख़त्म होने के बाद जो पेंशन की वृद्धि होगी उसके ऊपर हमें सबको पूरी ओआरओपी मिलनी चाहिए। ओआरओपी के केस का प्लस है। थैंक यू।